आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। हमारा टॉपिक टू है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे टी रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। टी रेशोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने देखा था भाई साइन ए, यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई नहीं था कि ए कितना है, कितने डिग्री का एंगल है, स्पेसिफाई नहीं था। आप साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ए है, ये जो एंगल्स हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज पढ़नी है, इन साइन की, कॉस का, टेन का, ये सब हमें कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पे पढ़ना है। वो एंगल्स हमें पढ़ने हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। यानी कि हमें ये बताना है कि भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें बताना है कि भाई साइन 0 डिग्री कितना होता है, हमें ये बताना है, ठीक है। हमें बताना है कि भाई अगर साइन 30 की वैल्यू निकालना है हमें, तो वो कितने डिग्री की होगी, कितना होगा साइन 30 डिग्री हमारा, कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो 6 रेशोज होते हैं, उन पूरे 6 रेशोज पे स्पेसिफिक एंगल्स बताना है, कितने 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 डिग्री के होंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए बेटा, वैल्यूज वैसे आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में दिमाग ब्लैंक आउट हो गया हमारा एकदम, बिल्कुल है ना, ब्लैंक हो गया बिल्कुल, कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमें साइन 30 की वैल्यू क्या है, टेन 45 की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए एक तरीका है, आप ये टेबल बना सकते हो। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएगा, फिर भी मैं आपको ये टेबल बनाना बता देता हूँ। देखिए, मुझे तो ये साइन की वैल्यूज याद है, जैसे आपको याद होंगे तो टेबल और जल्दी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि भाई साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 आपका 1 होता है, ठीक है। अगर आपको ये साइन की वैल्यूज याद है तो कॉस की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो इसी को, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना अपन पीछे वाली वैल्यूज से। यहां पे आपका क्या जाएगा 1, यहां पे क्या जाएगा आपका √3/2, यहां पे क्या आएगा आपका 1/√2, यहां पे क्या जाएगा हमारा 1/2 और यहां पे क्या जाएगा हमारा 0। ये हमारी कॉस की वैल्यू निकल गई। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, ठीक है। चलिए, साइन की हो गई है, कॉस की हो गई है। अब बोलोगे टेन, जैसे कि अब पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए, मैंने आपको बताया भी होगा कि अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो आपको टेन थीटा मिल जाता है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हुए चले जाए तो हमें टेन थीटा की वैल्यू ईजिली मिल जाएंगी। देखिए, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा नहीं, 0 आएगा, 0/1 = 0, ठीक है। हमें 10 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई है 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे 1/2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 से, √3/2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर रेसिप्रोकल लिखी होगी, 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो डिवाइड करने पे क्या मिल गया हमें, 1/√3। देखिए, इन दोनों को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हमें मिल जाएगा 1/√3, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल होगा, कितना मिल जाएगा हमें, 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें, √3/1 या √3 अकेला लिख सकते हो। और 1/0, 0 आ गया नीचे तो नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या इसको कई जगह आप इसको लिख देते हो इन्फिनिटी, ठीक। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है, कॉस की आ गई है, टेन की आ गई है, अलग अलग एंगल्स पे इनकी हमारी वैल्यू आ गई है। अब शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास साइन, कॉस और टेन की वैल्यू है, ठीक है, तो बहुत इजीली हम कोसेक की, सेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल है, और टेन किसका रेसिप्रोकल, कॉट का, या कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोसेक 45, तो आपको पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/1 हो जाएगी, ठीक। एग्जाम में अगर आपको टेबल बनाना पड़े तो आपको ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना बना सकते हो 10 तक,
ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और इजीली आप आगे की वैल्यूज बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे कॉट 60 की वैल्यू बताइए, तो कॉट 60 के लिए आपको ये पूरी वैल्यू बनाने की, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉट 60 की वैल्यू चाहिए तो आप टेन 60 की वैल्यू देखें। आप देखोगे सर टेन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/1, तो कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अपन ये टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपसे पूछूं कोसेक 0 डिग्री, देखो 0 मीन्स 0/1 आप लिख सकते हो, तो अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूंगा कोसेक 0 की, तो 1/0 हो जाएगा। और आपको पता है जो 1/0 होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 30 की वैल्यू बताइए, कोसेक 30 की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा हमारा। ठीक, मैं आपसे बोलूँ कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे इसको रेसिप्रोकल कर दो सर, √2/1 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूँ कोसेक 60 की वैल्यू बताइए, आप बोलो सर साइन 60 वाले को रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप मुझे कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, मैं आपसे सेक की वैल्यू पूछूं तो कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि जब आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आ जाएगा, 3√3/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/1 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 मीन्स 0/1 होता है आपका, 0/1, और जब बेटा 1/0 करेंगे तो डिस नॉट डिफाइन, तो ये आपका 1/0 होगा, जिसको आप बोलते हो नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी तो मुझे मालूम है 10 की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। ठीक, 0/1, जब अपन इसको 1/0 लिखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0, आप बोलोगे इट इज़ नॉट डिफाइन। ठीक, 1/√3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √3/1 हो जाएगा, या √3 अकेला लिख सकते हो, इसका 1 का रेसिप्रोकल आपको पता है 1 ही होता है, √3/1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप 1/0 0/1 करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0/1 इज 0, ये आपका 0 आ जाएगा। ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल्स हैं, इन्हीं एंगल्स को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, भी हम इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, और कई बार ये एग्जाम में भी आता है आपके कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक,